नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस्तकबाल है, स्वागत है आज के इस स्पेशल वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक नया ग्रूमिंग बिजनेस, एक नया ग्रूमिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है कोर्सेज। दोस्तों, सबसे पहले मैं जिस डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में बात कर रहा हूँ उसका नाम है फोर्सेज। और फोर्सेज क्या है, कैसे वर्क करता है, किस तरीके से इसका सिस्टम है, कैसे आप इसमें अर्निंग गेन करेंगे और किस तरीके से आप इस सिस्टम में आप वर्किंग होते हैं, नॉन वर्किंग होते हैं, किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं, उसके बारे में आज थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग एक दूसरे के साथ यहाँ पर करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है फोर्सेज, पहले है क्या? तो बेसिकली फोर्सेज एक डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। फोर्सेज एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सॉफ्टवेयर है। सबसे पहले जो मैंने शब्द बोला, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सॉफ्टवेयर, आप इसके बारे में सर्च करिए, इसके बारे में रिसर्च करिए और समझिए इस चीज को कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं। जैसे हमें कोई बिजनेस करना होता है किसी फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी से, तो हम उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, एक फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। ऐसे ही वेब की दुनिया में, डिजिटल दुनिया में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो कि कोड्स के द्वारा एनकोडेड होते हैं, जिसमें टोटली कोड्स के द्वारा जिनको बनाया जाता है। और ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के साथ इंडल्ज होते हैं, काम करते हैं। तो बेसिकली जो फोर्सेज है वो ऐसा ही एक सॉफ्टवेयर है। और ये सॉफ्टवेयर सबसे बड़ी बात, बेस्ड है डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर। डिसेंट्रलाइज, एक एक वर्ड को समझते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं ब्लॉकचेन क्या होता है। अगर आप लोग बाइनेंस यूज करते हैं, वजीर एक्स यूज करते हैं और क्वाइन डिसीएक्स यूज करते हैं, कुछ भी जो भी क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट जिसका एक आधी आया, एक क्रेज बना पिछले 2-3 सालों के अंदर, अगर आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करते होंगे तो आपको ये सब पता होगा कि ये सब प्लेटफॉर्म्स होते हैं, बाइनेंस है और वजीर एक्स है, क्वाइन डिसीएक्स है। ये मैं कुछ विशेष नाम गिना रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं इन्वेस्टमेंट करने के। तो बेसिकली ये जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके अंदर जो भी क्रिप्टो करेंसीज हैं वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करती हैं। ये जो ऐप हैं, ये ऐप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी नहीं है, ये ऐप तो एक थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म है। सपोज दैट हम एक पर्सन हैं, हमें मान लीजिए बिटकॉइन खरीदना है, तो हमारा कॉन्टैक्ट सीधे बिटकॉइन से होना चाहिए, लेकिन हम डायरेक्टली बिटकॉइन के माइनिंग नहीं कर सकते, हम उसको डायरेक्टली अचीव नहीं कर सकते, उसको उसके लिए हमको बाइनेंस का सहारा लेना पड़ता है, वजीरेक्स का सहारा लेना पड़ता है या क्वाइंडिसेक्स जैसे एप्लीकेशन, एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का सहारा लेना पड़ता है ताकि कि हम बिटकॉइन को खरीद सकें। तो खैर ये सब चीज़ें तो ये सब थर्ड पार्टी एप्लीकेशन हैं, लेकिन इनमें स्पेशली जो बिटकॉइन है, इथीरियम है या बहुत सारे ऐसे क्रिप्टो करेंसीज हैं जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करते हैं। लोग आते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने बहुत, एक ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसा सिस्टम है जो कि पूरी पारदर्शिता के साथ काम करता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को का एक और फायदा ये है कि एक बार इसकी सिस्टम को, एक बार किसी सॉफ्टवेयर को बना करके अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर अगर डिप्लॉय कर दिया गया, अगर उसको अप्लाई कर दिया गया, दोबारा खुद उसको लगाने वाला, उसको चलाने वाला, उस सॉफ्टवेयर को बनाने वाला भी उसमें कोई फेरबदल नहीं कर सकता। आप उस सॉफ्टवेयर में, उस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर एक बार वो चला गया, उसके बाद आप उसमें किसी तरह का कोई बदलाव आप उसके अंदर आप नहीं कर सकते हो। तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का फायदा है। जैसा कि आपने सुना भी होगा कि बिटकॉइन
एक सन 2000 में जब चला लगभग उसकी वैल्यू थी 30 रुपये 40 रुपये, आज बिटकॉइन के की एक बिटकॉइन की वैल्यू है 30-40 लाख रुपए। तो डिजिटल करेंसी में किस तरीके का बेहतरीन ग्रोथ देखने को मिल रहा है और डिजिटल बिजनेसेस भी आजकल कितनी ज़्यादा आगे जा रही हैं ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, एवरीबडी इज अवेयर अबाउट इट। तो बिटकॉइन के बारे में आपने कहानी सुनी होगी कि जिसने उसको बनाया वो खुद भी उसको कंट्रोल नहीं करता है और वो एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर उस सिस्टम को उसने बनाया। अब उसमें लोग इन्वेस्ट करते हैं, उसी इन्वेस्टमेंट से जो पैसा उस टेक्नोलॉजी के अंदर जा रहा है वो पैसा उसी में ग्रोथ करता है, एक दूसरे का प्रॉफिट एक दूसरे को जाता रहता है, कुछ इस तरीके का बेहतरीन सिस्टम बना हुआ है। तो ऐसा ही एक टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर ये बेस्ड है हमारा फोर्सेज। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी के पर्पस से इतनी ज़्यादा सॉलिड है, इतना स्ट्रांग है कि उसका कोई मुकाबला नहीं है, कोई इसको बंद नहीं कर सकता जब तक इस दुनिया से इंटरनेट बंद ना हो जाए, और आप जानते हैं कि इंटरनेट इस दुनिया से बंद नहीं हो सकता है। तो इसलिए बहुत सेफेस्ट टेक्नोलॉजी पर है, कोई इसको बंद नहीं कर सकता, कोई इसको रोक नहीं सकता, कोई उस सॉफ्टवेयर में फेरबदल दोबारा नहीं कर सकता। एक बार फोर्सेज प्लान का सॉफ्टवेयर जो उस पर चढ़ गया, खुद उसको बनाने वाले जो मिस्टर लाडो हैं रसिया से, उसको बनाने वाले जो मिस्टर लाडो हैं रसिया से, वो खुद भी चाह करके उसमें फेरबदल नहीं कर सकते, वो खुद भी एज अ कस्टमर उसमें जुड़े हुए हैं सिर्फ। तो इतनी बेहतरीन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर ये बेस्ड है फोर्सेज। प्लस दूसरी चीज, दूसरा वर्ड जो मैंने यूज किया कि डिसेंट्रलाइज्ड है। डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब होता है जहां पर कोई उसका मालिक ना हो, जो सिस्टम एक एवरी सिंगल यूनिट में, मतलब जो भी उसके एकदम नीचे के स्तर के लाभार्थी हैं उन तक बटा हुआ हो, उसको कहते हैं डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम। इस पर पारदर्शिता के साथ साथ वो सिस्टम बिल्कुल अपने हर एक यूनिट पर इक्वलिटी के साथ बटा हुआ हो, कोई उसका मालिक ना हो। हम और आप अगर किसी कंपनी में, किसी ऑफिस में काम करते हैं, उसमें क्या होता है, हमारे ऊपर एक मालिक है, कोई बॉस होगा, कोई उस कंपनी का कोई सीईओ होगा जो हमारे चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है, वो हमारे वेतन का निर्धारण कर सकता है, वो हमारे किए गए कार्यों का मूल्यांकन कर सकता है, वो हमारी जो भी पद है उसको डिमोट प्रमोट कर सकता है, मतलब तमाम फेरबदल हमारी सिचुएशन में वो कर सकता है। लेकिन जब सिस्टम डिसेंट्रलाइज हो जाता है, कोई सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है कि किसी एक के अधिकार में हो, तो डिसेंट्रलाइज सिस्टम में हर किसी का, हर कस्टमर का, हर जुड़े हुए व्यक्ति का समान अधिकार, समान हक उस सिस्टम के ऊपर होता है। सारा डेटा, सारा इंफॉर्मेशन समान रूप से एवरी यूनिट को डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। तो डिसेंट्रलाइज सिस्टम की बहुत बड़ी खूबी है और इसीलिए इसको लेजर सिस्टम भी बोलते हैं, क्योंकि ये लेजर की तरह हर एक यूनिट को उतनी ही इंफॉर्मेशन, उतना ही डेटा पूरी पारदर्शिता से सबको मिलता है इसमें। तो ये एक बेहतरीन सिस्टम है, इसीलिए इसको डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड कहा जाता है फोर्सेज को। अब फोर्सेज हमें ज्वाइन क्यों करना चाहिए, इसमें कुछ विशेष पॉइंट हैं। फोर्सेज एक तो डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, कोई एक मालिक नहीं है। दूसरी चीज, आज के टाइम पर बेहतरीन तरीके से एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है, न जाने अभी ये बहुत रिसेंटली स्टार्ट हुआ है 2020 के आसपास, 2020 जनवरी में इसकी लॉन्चिंग हुई है और तब से यूँ समझ लीजिए कि इसका एक जो ट्रेंड है वो 2021 में आकर के बढ़ा और तब से लेकर के आज तक फोर्सेज लगातार धूम मचा रहा है, लोग लखपति करोड़पति बन रहे हैं इससे। और मैं कहता हूँ आप फोर्सेज को एक प्रॉपर बिजनेस के तौर पे ना सही, एक प्रॉपर रूटीन में ना सही, पार्ट टाइम तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई बिजनेस आपको पार्ट टाइम मंथली 20,000, 30,000, 50,000, 1,00,000 आपकी इच्छा और आपके लगन के अनुसार अगर वो आपको इनकम दे रहा है तो आपको ज्वाइन करने में क्या हर्ज है इसमें। ना सबसे बड़ी खूबी, जैसे देखिए दोस्तों, मैंने वेस्टीज में काम किया कुछ समय, मैंने कुछ समय एमवे के लिए भी काम किया है, उनके प्रोडक्ट सेल करने की एक टारगेट आता था कि आप इतना इतना टूथपेस्ट, इतना ब्रश या इतनी इतनी चीज़ें आप सेल करिए, शैम्पू सेल करिए, कंडीशनर सेल करिए, ये सब चीज़ें बड़ा इरिटेटिंग लगती थी अपने लोगों को, क्योंकि अपने लोग थोड़ा से प्रोफेशनल पर्सन हैं और ये सब पसंद नहीं है कि हम किसी की चिरौरी करें कि भैया आप ये सामान ले लो, आप ये सामान ले लो, वो भी तब जब उस सामान की क्वालिटी हमको खुद नहीं पता है कि बहुत अच्छी है कि नहीं है। तो ऐसी स्थिति में बहुत फेल्योर मिलता था और अपन लोगों ने बहुत जल्दी छोड़ दिया था उन सब मार्केटिंग कंपनियों को। तो दोस्तों,
इस फोर्सेज के अंदर आपको कोई भी प्रोडक्ट सेल नहीं करना है, कोई भी टारगेट नहीं है, कोई भी मंथ एंडिंग मंथ क्लोजिंग ऐसी कोई टर्म्स यहाँ पर नहीं है कि आपको इतना बिजनेस करना है, इतना बिजनेस करके ले आना है। आइए टोटली आपके लगन, आपकी इच्छा और आपकी जिज्ञासा पर निर्भर है कि आप इसमें कितना अच्छा बिजनेस आप गेन कर रहे हो। कोई मालिक नहीं है, कोई आपका डेटा कहीं से कुछ नहीं चुरा सकता, कोई आपको प्रमोट डिमोट नहीं कर सकता। एक सिंपल सा सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर का अपना एक प्लान है, उस प्लान के अंतर्गत आप जितना अच्छा काम कर पाओगे आपको वैसी इनकम मिलती है। इसमें वर्किंग के साथ साथ अगर आप लोगों को जोड़ रहे हो तो वर्किंग तो इनकम है ही, अगर नहीं भी जोड़ रहे हो तो आपके अपलाइन डाउनलाइन से जो बिजनेस हो रहा है, यकीन मानिए बहुत बड़ी खूबी है कि आप अपलाइन अगर आपका काम कर रहा है, आपकी अपलाइन में यू नो हो सकता है सैकड़ों हजारों लोग इन्फ्लुएंस करते हों, अगर आपके अपलाइन से जुड़े हुए लोग हैं वो अगर बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ से आने वाली अर्निंग का भी एक प्रॉपर रेशियो आपको मिलेगा। आपके नीचे कोई काम कर रहा है उसका भी अच्छा खासा फायदा आपको मिलेगा। और अगर आप पर्सनली खुद किसी को स्पॉन्सर कर रहे हैं, जिसे कहते हैं वर्किंग इनकम, वो बहुत ज़्यादा परसेंटेज के साथ आपको मिलता है। जो भी प्लान है वर्किंग और नॉन वर्किंग इनकम का, मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ। आप एक बार सिर्फ मेरा मेरे कहने से सिर्फ आप एक बार उस लिंक को खोल करके 40 मिनट में जो 30-35 मिनट का जो भी वर्थफुल कंटेंट है उसका स्टार्टिंग से लेकर के, आप वो कंटेंट जरूर देखिए, आप वो कंटेंट देखिए और समझिए कि इसका सॉफ्टवेयर, इसका प्लान किस तरीके से काम करता है। और अगर आपको पसंद आए, मुझे पूरा भरोसा है कि आपको पसंद आएगा, घर बैठे बैठे सिर्फ मोबाइल चला करके दिन में घंटे दो घंटे अगर आपकी 30,000, 40,000, 50,000 मंथली इनकम आने लगे, वो आपको तो आपको बिच्छू नहीं काटा है जो आप नहीं करना चाहोगे, आप डेफिनेटली करना चाहोगे उसको। और मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे एक कलीग हैं, मेरे जूनियर थे मेरे कॉलेज में जहाँ से मैंने BDS किया है, मिस्टर अफाक शेख हैं, मैं उनकी ID आपको दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं इस ID में इन्होंने तकरीबन 7600 रुपये गेन किए हैं सिर्फ एक दिन में, स्पॉन्सर करके और अपने अपलाइन डाउनलाइन क्रॉस लाइन से कमा करके। इन्हीं की मैं एक और दिन की कमाई दिखा रहा हूँ जो लगभग $90, $90 का मतलब है $1 जो है वो लगभग आपका मान के चलिए कि 78-80 रुपये है, $90 का मतलब हो गया कि फिर से 7,000 रुपये। और मैं अफाक शेख भाई को पर्सनली जानता हूँ, मैं इनके साथ बैठा हूँ, खाया पिया हूँ, चाय वाय पिया है हम लोगों ने, मैं पर्सनली जानता हूँ, पर्सनली इनके साथ, मुझे याद है कि मैंने इनके साथ वेस्टीज का बिजनेस किया था लखनऊ के अंदर, तब मैं वेस्टीज को लेकर के इनके साथ जुड़ा था, हालांकि तब सक्सेस नहीं मिली उस तरीके से, वो बात अलग है क्योंकि अपन लोग उसमें इंटरेस्टेड नहीं थे, भाई ने भी साथ कुछ समय बाद छोड़ दिया था। बट मैं सिर्फ इनका एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं भी फोर्सेज में इनके थ्रू आया हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा जब से मैं यहाँ पर ज्वाइन किया हूँ, तमाम कंटेंट, तमाम जानकारियाँ और बहुत सारा रिसर्च करने के बाद मैंने इसको ज्वाइन किया है। और यकीन मानिए कि आप जैसे जैसे इसमें आप ग्रो करोगे बहुत अच्छी इनकम आएगी। भाई की अभी जो फर्स्ट मंथ की इनकम है लगभग वो 40,000 से 50,000 रुपये विद इन द वन मंथ, एक मंथ में अफाक भाई ने कम से कम 40,000 से 50,000 रुपये की इनकम जनरेट की है। और ये रियलिटी बता रहा हूँ, रियलिटी, ये कोई ऐसा नहीं कि मैं किसी ऐसे पर्सन का बता रहा हूँ जिसको मैं नहीं जानता हूँ या जो दिल्ली मुंबई में बैठा है, ये मैं इस ऐसे पर्सन की बात बता रहा हूँ जिसे मैं रियलिटी में अपने सामने से जानता हूँ। बाकी तो और आप हमारे अपलाइन में जाओगे तो अफजल भाई हैं और हनीफ जी हैं और तमाम बहुत सारे लोग ऐसे मैंने सीनियर्स का नाम सुने हैं जो लाखों लाखों रुपये कमा रहे हैं। और कुछ ऐसे ऐसे नाम हैं जिनके बारे में नहीं जानता हूँ बट मेरे पास आते हैं, उनके जो अकाउंट आप खोल करके आप जब देखोगे तो आप देखोगे कि उनकी एक एक दिन की इनकम है 2.5-3 लाख रुपए और साल भर में वो करोड़ों रुपए जनरेट करते हैं इस बिजनेस में। तो इस बिजनेस को करने का रिकमेंडेशन मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमको प्रोडक्ट सेल नहीं करना है, हमको तेल साबुन घी नहीं बेचना है किसी को जाकर के, हमें किसी की चिरौरी नहीं करनी है, किसी की जिसे कहते हैं ना कि मान मनोबल नहीं करना है कि भैया ले लो, भैया ले लीजिए सामान, ले लीजिए भैया वो ले लीजिए। हमें केवल इस
जो एक प्लान है, जैसे LIC का एक प्लान होता है, आप इन्वेस्ट करते हो, चार साल छः साल के बाद आपको कुछ रिटर्न मिलता है, वैसे ही ये एक सबसे फास्टेस्ट ग्रोविंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आप इन्वेस्ट करोगे आपको उसका रिटर्न मिलेगा। तो ये प्लान समझिए, बाकी इस प्लान को लेकर के एक दिन विस्तृत तौर पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। हाँ, आपको इस फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए आपके पास दो चीज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके मोबाइल में, एक बाइनेंस और दूसरा है ट्रस्ट वॉलेट। बाइनेंस क्यों? क्योंकि बाइनेंस के जरिए आप जब बाइनेंस आप लॉगिन करेंगे, आप उसकी KYC कंप्लीट कर लेंगे, तत्पश्चात आप यहाँ पर अपने लिंक किए हुए अकाउंट, चाहे UPI के थ्रू चाहे ATM कार्ड के थ्रू, आप वहाँ से INR का ट्रांजैक्शन करते हुए P2P ट्रेडिंग करते हुए। अब P2P ट्रेडिंग क्या है, अगर किसी को ना समझ में आए तो आप मुझे मेरे WhatsApp पर पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, मेरा WhatsApp नंबर है 9454643531। आप, मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे रहा हूँ, आप मेरे WhatsApp पर मुझे मैसेज कर सकते हैं कि P2P ट्रेडिंग क्या है, कैसे किया जाता है। मैं इसका एक स्पेसिफिक वीडियो जो ऑलरेडी नेट पर पड़ा हुआ है मैं आपको भेज दूंगा, बहुत अच्छे से कूलली एकदम आपको समझ में आ जाएगा। तो बाइनेंस कैसे काम करता है मैं इसका भी वीडियो भेज दूंगा, P2P ट्रेडिंग कैसे करते हैं, कैसे उसमें हम इंडियन रुपीज़ को कन्वर्ट करते हैं, दूसरों को जो डॉलर बेच रहे हैं हम उनके जरिए डायरेक्ट सेलिंग के जरिए हम अपना इंडियन रुपीज़ उनसे हम कन्वर्ट करते हैं और उनसे हम BUSD खरीदते हैं। ये बाइनेंस के जरिए हो सकता है, केवल बाइनेंस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐप हैं, CoinDCX है, WajidX है, लेकिन कोई बहुत ऑथेंटिक तो सब हैं, लेकिन बाइनेंस एक ऐसा है जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, वो एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है बाइनेंस, आप सभी लोग जानते होंगे, इसके बारे में आप रिसर्च कर सकते हैं कि बाइनेंस आज दुनिया में सबसे वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड प्लेटफॉर्म है। और एक रियलिटी अभी एक कुछ दिन ये फैक्ट आया है कि बाइनेंस का जो CEO है, CZ नाम है उनका, CZ जी जो हैं वो बहुत जल्द उनकी अर्निंग, जो उनकी नेटवर्थ है, वो भारत के मुकेश अंबानी को क्रॉस करने वाली है। वो भारत के मुकेश अंबानी से भी ज़्यादा नेटवर्थ कमाने वाले हैं विद इन अ ईयर। तो बाइनेंस बहुत ही वाइडली वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड प्लेटफॉर्म है। तो बाइनेंस क्या, बाइनेंस के जरिए हम बेसिकली क्या करेंगे, हम अपने इंडियन रुपीज़ को सेल करेंगे वहाँ और वहाँ हम BUSD खरीदेंगे, बाइनेंस USD जिसे बोलते हैं, तो हम BUSD खरीदेंगे। अब बाइनेंस, अब BUSD एक करेंसी है, USD क्या है, डॉलर है, और बाइनेंस USD यानी बाइनेंस में बाइनेंस की कंपनी द्वारा ऑथोराइज जो डॉलर है। और मैं बता दूं कि ये BUSD कोई फर्जी करेंसी नहीं है, ये न्यूयॉर्क फाइनेंशियल डिपार्टमेंट द्वारा टोटली एक्सेप्टेड करेंसी है। आप BUSD के बारे में रिसर्च कर सकते हैं, ये टोटली अमेरिका में बिल्कुल बाय गवर्नमेंट एक्सेप्टेड करेंसी है। तो BUSD हम वहाँ से खरीदेंगे, BUSD हमने एक बार खरीद लिया जितना हमको इन्वेस्ट करना है, उसके बाद BUSD को हम यहाँ से उठा करके हम ले जाएंगे ट्रस्ट वॉलेट के अंदर। इसके लिए आपके पास ट्रस्ट वॉलेट होना चाहिए, ट्रस्ट वॉलेट में अपनी ID बनाएंगे, लॉगिन करेंगे और उसके बाद आप ट्रस्ट वॉलेट में अपने बाइनेंस को लिंक करके वहाँ से जो BUSD है उसको आप एक नॉमिनल ट्रांजेक्शन फीस के साथ, बहुत ही कम फीस के साथ, आप उसको वहाँ से ट्रस्ट वॉलेट पर आप लेकर के आएंगे। और ट्रस्ट वॉलेट पर जब आपका BUSD आ जाएगा, उसके बाद इस BUSD को आप ट्रस्ट वॉलेट के अंदर से ही जो फोर्सेस की जो सॉफ्टवेयर है, जो मेन उसका सॉफ्टवेयर सिस्टम है ब्लॉकचेन के अंदर, जिसकी एक पर्टिकुलर ID है forces.io, आप उस वेबसाइट, आप उस सॉफ्टवेयर सिस्टम के जरिए आप वहाँ पर लॉगिन करते हुए आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे BUSD में। हमारा जो भी ट्रांजेक्शन होगा, चूंकि आप ये भी कह सकते हैं कि BUSD क्यों, क्योंकि फोर्सेज सिर्फ इंडिया में काम नहीं कर रहा है, जो रुपए में आपका ट्रांजेक्शन होगा, फोर्सेज वर्ल्ड वाइड प्लेटफॉर्म बन चुका है, फोर्सेज वर्ल्ड वाइड इंटरनेट प्लेटफॉर्म है और पूरे दुनिया के लोग, लाखों लोग उसमें इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इसका जो इन्वेस्टमेंट है वो BUSD में होगा, आप जो प्रॉफिट कमाएंगे वो भी डॉलर में कमाएंगे, BUSD में कमाएंगे, और इस प्रॉफिट को आप वापस अपने ट्रस्ट वॉलेट से लेकर के जाएंगे बाइनेंस में, वहाँ P2P ट्रेडिंग करेंगे और आप तब उस स्थिति में आप डॉलर बेच करके पैसा आप सीधे इंडियन रुपीज में अपने अकाउंट में मंगाएंगे, जो सामने वाला आपसे डॉलर लेना चाहेगा आप उसको बेच करके आप सीधे पैसा अपने अकाउंट में मंगाओगे। तो इस तरीके से ये ट्रेडिंग कंप्लीट होगी।
इजी है, बट हाँ एक बात टर्म्स और कंडीशन में ज़रूर बोलूँगा, इसमें सिर्फ उन्हीं लोगों को जोड़ना है इस प्लान में जो टेक्निकली स्मार्ट है, जिनको बाइनेंस, ट्रस्ट वॉलेट, कॉइन डीसीएक्स या इस या जो भी क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट जैसी चीज़ों का नॉलेज रखते हैं, क्योंकि कम नॉलेज वालों के लिए ट्रांजेक्शन करते वक्त अगर उनको अधूरा नॉलेज है, कम नॉलेज है, तो वो खतरा पैदा करेंगे अपने लिए खुद। इसलिए हमें टेक्निकली स्मार्ट लोगों को ही इसमें जोड़ना है जो अच्छे से इंटरनेट चला सकें। तो दोस्तों बहुत ईजी बिजनेस है, आप घर बैठे बैठे कुछ ना कुछ आप अर्निंग करते रहोगे। आप सोचो अगर एक हफ्ते के बाद आपके अंडर में 5 लोग भी सिर्फ जुड़ गए, कोई नहीं, सिर्फ अपने 5 उन दोस्तों को जोड़ा जो टेक्निकली ट्रांजेक्शन करने में स्मार्ट हैं, चीज़ों का नॉलेज है उनको कि मतलब UPI में सही से कोई ID डालना, Binance में लॉगिन करना, ट्रस्ट वॉलेट चलाना, एटलीस्ट कम से कम थोड़ा बहुत बेसिक जिनके अंदर स्मार्टनेस है, आपने ऐसे किन्हीं भी 5 दोस्तों को जोड़ा और उनको फोर्सेज में आपने ज्वाइनिंग कराई, और सपोज दैट कि एक हफ्ते के बाद अगर आपको, मैं कुछ ज़्यादा ना सही मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको $10 $15 की अगर पर डे आपको इनकम आने लगे, तो सोचिए आप $15 का मतलब है कि आप पर डे आप 1200 रुपये 1300 रुपये आप घर बैठे कमा रहे हैं, और ये इनकम बढ़ती जाएगी क्योंकि आप सिर्फ काम नहीं करेंगे, आपके नीचे जो जुड़े हैं वो भी प्रॉफिट के लिए काम करेंगे। आपने किन्हीं 2 लोगों को अगर इसमें ज्वाइनिंग कराई है, वो जो 2 हैं वो अपने नीचे 2 लोगों को जोड़ेंगे क्योंकि उनको भी प्रॉफिट कमाना है डायरेक्ट स्पॉन्सरशिप से। मैं पहले बता रहा हूँ इसमें डायरेक्ट स्पॉन्सरशिप का फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। बाकी जो भी डिटेल है आप प्लान से समझ लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि एक ही वीडियो में सब कुछ जोड़ पाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। मैं फिर कभी कोई वीडियो बनाऊंगा इस पर, फिलहाल प्लान के लिए मैं सारा वीडियो आपको दे दे रहा हूँ नीचे, आप उसको विस्तृत तौर पर समझें और कैसे फाइनेंस चलाते हैं, कैसे BUSD को खरीदेंगे, कैसे ट्रस्ट वॉलेट पर ट्रांसफ़र करेंगे, मैं इन सब का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ। आप लोग जाएं, देखें, विजिट करें। अगर कोई समस्या कोई परेशानी आती है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं नीचे दे दे रहा हूँ, मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, जहाँ परेशानी आ रही है उसका स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, और जो भी हेल्प चाहिए होगी मैं और मेरी जो भी अपलाइन टीम है, जो मेरे ऊपर की टीम है, मैं उनके जरिए भी आपकी मदद करवाने की पूरी कोशिश करूँगा अगर कहीं भी कोई गाइडेंस चाहिए होगी तो। तो आइए जुड़िए इस बिजनेस से, बहुत अच्छा बिजनेस है, और जिसे कहते हैं कि हम लोग मोबाइल पे बहुत सारा वेब सीरीज़ देखते हैं, नौटंकी देखते हैं, तमाम चीज़ें मस्ती करते रहते हैं, तो थोड़ा सा घंटा 2 घंटा समय दे करके अगर हम इस बिज़नेस में अगर अपना माइंड लगाएं, पार्ट टाइम ही करें इस चीज़ को, तो बहुत अच्छी अर्निंग हम लोग कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग इंटरेस्टेड होंगे, और बाकी जो भी इंटरेस्ट है आप इन वीडियोज़ को नीचे देखिए लिंक में, मेरे कहने पर सिर्फ एक बार देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा बिजनेस, अच्छा लगे तो करें, कहीं पर हेजिटेशन हो तो पूछें, अगर दिल ना लगे तो कोई बात नहीं है। चलिए बाय, टेक केयर।